हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टिकटॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें से इस करंट वीडियो सेशन का मेरा टॉपिक है जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री। इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों को जनरल ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, उसका कंपेरिजन और जनरल ट्री हम बाइनरी ट्री में कैसे कन्वर्ट सकते हैं, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाली हूँ। कंटेंट को जाने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल टिकटॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल रिंगिंग रखिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रीज। ट्री के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? मेजरली ट्री के ये दो टाइप्स होते हैं, जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री। तो जनरल ट्री कैसा होता है, बाइनरी ट्री कैसा होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि जनरल ट्री कैसे दिखते हैं और बाइनरी ट्री कैसे दिखते हैं। अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि दोनों ट्री है, पर यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, नंबर ऑफ नोड्स कुछ ज्यादा दिख रहे हैं हर एक लेवल पे। अभी आप लोगों को लेवल पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है ट्री का। अगर आपको ये पता नहीं है कि लेवल क्या होता है, रूट नोड क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसपे मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। तो चलो देखते हैं कि जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल ट्री आपको इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जनरल ट्री और कौन सा भी ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसका क्या मीनिंग है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, उन्हें नॉन लीनियर क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एक वीडियो की लिंक फॉरवर्ड कर रही हूँ, यहाँ पे फ्लैश कर रही हूँ। प्लीज उस वीडियो में जाके आप देखिए कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जहां पे बेसिकली मैंने डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो कि लीनियरली ग्रो नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्री और ग्राफ। तो यहाँ पे हम ट्री देख रहे हैं। अभी जनरल ट्री में ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हर एक नोड को जीरो, मिनिमम जीरो और मैक्सिमम एन नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स होते हैं। एन यहाँ पे आर्बिट्री मैंने मेंशन किया हुआ है। क्यों आर्बिट्री? क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, कितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स यहाँ पे अलाउ होते हैं, बिकॉज ये जनरल ट्री है। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स है तो उतने ही हम सब ट्रीज भी उस जनरल ट्री में बना सकते हैं। और यहाँ पे मेन दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो है इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड। तो इन डिग्री जो होता है हर एक ट्री के लिए, वो मैक्सिमम वन होता है, क्योंकि ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। एक ही पेरेंट नोड होता है, उस पेरेंट नोड से नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकते हैं, पर इन डिग्री, यहाँ पे आप देख सकते हो इस नोड का इन डिग्री ये वाली एज है, तो वो एक ही होती है। और अगला वाला है पॉइंट जो है आउट डिग्री, वो मैक्सिमम एन नंबर्स होते हैं, क्योंकि एन नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स आर अलाउड। यहाँ पे आप देख सकते हो इस नोड का आउट डिग्री चार है, क्योंकि उसके चार चाइल्ड नोड है। इस नोड का आउट डिग्री टू है, क्योंकि उसके दो चाइल्ड नोड्स है। सो ऑन, सो मैक्सिमम उसके एन नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकते हैं, इसके लिए आउट डिग्री एन है। अभी हम देखते हैं बाइनरी ट्री। फिर से बाइनरी ट्री है, नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये ट्री है। बाइनरी ट्री एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है जनरल ट्री का। तो वो स्पेशलिटी क्या है? तो स्पेशलिटी, स्पेशल कंडीशन ये होती है कि उसके मिनिमम जीरो चाइल्ड नोड्स और मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड्स होते हैं। तो जीरो, वन या मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड्स हर एक नोड के होते हैं। अगर ये कंडीशन, स्पेशल कंडीशन वो ट्री सेटिस्फाई करता है, तो उस ट्री को हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो हर एक नोड के लिए मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड्स है, दो से ज्यादा किसी भी नोड को चाइल्ड नोड नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं इस ट्री को बाइनरी ट्री। और
मैक्सिमम दो चाइल्ड होते हैं तो टिपिकली हम उनका उनके चाइल्ड नोड्स को बोल सकते हैं कि लेफ्ट चाइल्ड नोड एंड राइट चाइल्ड नोड। अभी आप देख सकते हो अगर बी पेरेंट नोड है तो डी उसका लेफ्ट चाइल्ड नोड हो गया और ई उसका राइट चाइल्ड नोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन फिक्स्ड है, फिक्स्ड है इसलिए हम उनका नाम दे सकते हैं जो कि लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड होता है। इस स्लाइड में मैं आपको सारे पॉइंट्स एक एट अ ग्लांस एक्सप्लेन कर रही हूँ कंपैरिजन में। ये हो गया आपका जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री। जो पॉइंट्स मैंने व्हाइट कलर में दिखाए हैं वो एक्चुअली दोनों ट्री के लिए सेम है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, और जो ग्रे कलर में दिखाए हैं वो डिफरेंट है। तो दोनों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है, जनरल ट्री या बाइनरी ट्री हो, क्योंकि ये ट्री है तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गए। अभी जनरल ट्री में कितने नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स होते हैं तो यहाँ पे वो आर्बिट्री होते हैं, पर बाइनरी ट्री में वो मैक्सिमम दो होते हैं, जीरो या वन या मैक्सिमम दो होते हैं। अभी इन डिग्री ये दोनों का, क्योंकि ये ट्री है तो इन डिग्री दोनों का वन ही होता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है हर एक नोड का, तो ये भी कॉमन पॉइंट है। पर यहाँ पे आउट डिग्री, दोनों का आउट डिग्री अलग होता है, आउट डिग्री अगेन नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स अलाउड है इसीलिए इसकी आउट डिग्री भी एन है। यहाँ पे मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड्स अलाउड है तो उसकी मैक्सिमम आउट डिग्री दो हो जाती है। अभी यहाँ पे एन नंबर ऑफ नोड्स है इसलिए यहाँ पे हम उस चिल्ड्रन को, चाइल्ड नोड्स को कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते हैं, पर यहाँ पे मैक्सिमम दो होते हैं इसलिए उनके टिपिकली दो नाम दिए जाते हैं जो कि होते हैं लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। अभी हम देखते हैं कि जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं आपके एल्गोरिदम के। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपको सारे ब्रांचेस डिलीट करने हैं उस ट्री के, हर एक नोड के, सिर्फ आपको लेफ्ट मोस्ट ब्रांच डिलीट नहीं करनी है, वो एज इट इज रखनी है। अभी डिलीट करने के बाद हमें वो कनेक्ट भी करनी है नेक्स्ट स्टेप पे, तो वो हम क्या करेंगे, लेफ्ट जो चाइल्ड होता है लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, वो सारा लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नोड उसके सारे सिबलिंग के साथ वो कनेक्ट हो जाता है जो कि बन जाते हैं उसके राइट चाइल्ड्स। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका एक जनरल ट्री का एग्जाम्पल जो कि मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप जहाँ पे सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड की एजेस और ब्रांचेस हमने रखी है, बाकी सारे डिलीट कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तो 1 to 2 ये लेफ्ट चाइल्ड है वन का, इसलिए वो ब्रांच मैंने रख दी है। 2 to 6 ये भी लेफ्ट चाइल्ड है इसलिए रख दिया है। 3 to 8 भी लेफ्ट चाइल्ड है इसलिए रखा है, और 5 to 9 भी लेफ्ट चाइल्ड है इसलिए वो रखा हुआ है। बाकी सारे ब्रांचेस मैंने रिमूव कर दिए है। ये हो गया आपका स्टेप वन। अभी देखते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में मैंने क्या किया कि जो लेफ्ट मोस्ट आपका चाइल्ड था वो उसके सिबलिंग के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया, और हम हर एक उस कनेक्शन को राइट चाइल्ड करके यूज करने वाले हैं। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, आपको सिर्फ सिबलिंग्स को कनेक्ट करना है। अभी आप अगर नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो 6 and 7 आर सिबलिंग, इसलिए मैंने 6 and 7 को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। 7 and 8 ये सिबलिंग नहीं है इसलिए मैंने उनको कनेक्ट नहीं किया है। 8 और 9 भी सिबलिंग नहीं है इसलिए 8 और 9 को भी नहीं कनेक्ट किया है, पर 9, 10, 11 ये सारे सिबलिंग है इसलिए 9 को 10 से और 10 को 11 से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी ये अगर ट्री मैं फिर से रीअरेंज करती हूँ तो वो कैसे दिखेगा। तो ये हो गया आपका जनरल ट्री, ये जो हो गया था आफ्टर अप्लाइंग एल्गोरिदम, ये हमारा ट्री यहाँ पे जनरेट हुआ था। अभी ये जनरेटेड ट्री मुझे ऑर्गेनाइज करना है इन द ट्री फॉर्म, तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये हो गया मेरा बाइनरी ट्री। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिनिमम 0 नंबर ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे 7, 8 आप देख सकते हो, 11 नोड देख सकते हो जिसके 0 नंबर ऑफ चाइल्ड है, 1 नंबर ऑफ चाइल्ड और मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन आर 2। सो ये हो गए आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2। तो ये हो गया आपका बाइनरी ट्री। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा सुना जाना,
और मैं अभी आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं कुछ अगले वीडियोस का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अगले वीडियो भी आप देखते रहिए। स्टे ट्यून विद द चैनल टेक टॉक्स। थैंक यू।